हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आरसीबी टीम के अनबॉक्स इवेंट के बाद बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इनके जर्सी से लेकर के मैक्सवेल और विराट कोहली को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। क्या क्या अपडेट्स है, हर एक न्यूज़ के बारे में सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आरसीबी टीम से जुड़ी आपको हर एक न्यूज़ लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट यार ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक न्यूज़, इसके अलावा क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट भी लगातार मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ उसे भी ज्वाइन करके रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। इनका जो है अनबॉक्स इवेंट समाप्त हो चुका है, और इसी अनबॉक्स इवेंट में आरसीबी टीम ने अपनी नई जर्सी भी जो है रिवील कर दी है। आरसीबी की नई जर्सी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इसका टाइटल स्पॉन्सर जो है कतार एयरवेज है। फैब डुप्लेसी और विराट कोहली आरसीबी टीम को रिवील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, जिन्होंने जो है अभ्यास करना शुरू कर दिया है। आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप में इन्होंने जमकर पसीना बहाया, साथ में जो है बल्लेबाजी प्रैक्टिस की और ढेर सारी मस्ती भी की है। तो विराट और मैक्सवेल ने अभ्यास करना शुरू कर दिया, आईपीएल 2023 में ये बरसने को तैयार हैं। इसके बाद भाइयों, तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर रजत पाटीदार को लेकर, जिन्होंने आरसीबी टीम के कैंप को यानी कि स्क्वाड को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया है। पाटीदार के ऊपर अपडेट ये थी कि वो फिलहाल इंजर्ड है और 14 अप्रैल के बाद ही यानी कि सेकंड हाफ में आईपीएल 2023 में आरसीबी के लिए अवेलेबल रह पाएंगे। फर्स्ट हाफ से पूरी तरह से बाहर हो गए थे, मगर अब उन्होंने जो है आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि अभी भी वो कितने मैचेस के लिए बाहर हुए हैं, इसके अलावा कब से आरसीबी टीम के लिए अवेलेबल रह पाएंगे, इस पर अपडेट आना फिलहाल बाकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर मोहम्मद सिराज को लेकर, जिन्होंने आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर लिया है। वहीं मिचेल ब्रेसवेल ने भी आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप को आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया, ये भी अब जमकर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों, आखिरी अपडेट है यहाँ पर एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को लेकर, जिनकी जो है 333 और 17 नंबर से एक स्पेशल जर्सी आरसीबी टीम ने लॉन्च की है, जिसे जो है फैब डुप्लेसी और विराट कोहली लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के नाम से जो है आरसीबी टीम ने स्पेशल जर्सी लॉन्च की है। ये आरसीबी टीम के हॉल ऑफ फेम भी चुने गए हैं, इनका योगदान काफ़ी अहम रहा है आरसीबी टीम के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ढेर सारी अपडेट हमारी आरसीबी टीम से जुड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।